प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 11 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th वाले में बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर सॉरी एन टर्म्स ऑफ एन ईपी इज 4n - n का स्क्वायर, यानी कि जो सम है पहले एन टर्म्स का वो हमको दे दिया है। तो बताइए व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा? दैट इज S1, यानी कि क्या वो हमारा S1 है? S1 मतलब कि पहला वाला टर्म का जो सम होगा क्या वही हमारा फर्स्ट टर्म है? एंड व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टू टर्म का अगर हम लोग निकालेंगे सम तो वो कितना निकलेगा? व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सेकेंड वाला टर्म कितना होगा? सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द टेंथ एंड द nth टर्म, यानी कि थर्ड टर्म फाइंड कीजिए, टेंथ टर्म फाइंड कीजिए और फिर nth टर्म के टर्म जो है वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे वो बताइए। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे तो भले बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कॉपी में सोचता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो देखो, सबसे पहले अपने को Sn की वैल्यू दे दी गई है, यानी कि सम ऑफ टर्म्स का वैल्यू दे दिया है 4n - n स्क्वायर। हमसे क्या कहा है कि जो पहला टर्म है दैट इज़ S1, उसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला टर्म है वो पहला वाला जो सम निकलेगा ना उसी का वैल्यू है, यानी कि जो S1 हमारे पास निकलेगा वही हमारा पहला टर्म भी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोला था साफ साफ व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, फिर ब्रैकेट में लिखा था दैट इज़ S1, यानी कि जो फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग A के नाम से जानते हैं वो जो है वो S1 ही है। तो S1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर S1 लिखेंगे n के बदले में। अच्छा इसको मत लिखो, फालतू में क्या लिखना है, यहाँ पर हम यानी कि n के बदले में 1 लिख देंगे, 4 × 1 कर दो और माइनस में n के बदले में फिर से वही 1 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से S1 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 1 = 3, यानी कि जो सम है पहले वाले फर्स्ट टर्म्स का उसका जो सम निकलेगा वो 3 निकलेगा और जो फर्स्ट टर्म है वो भी हमारा 3 ही है। अब हमसे क्या बोला था व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट टू टर्म का जो सम निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे, S2 निकालेंगे। फर्स्ट टू टर्म का सम यानी कि S2 होता है, तो उसके लिए हमारा n के बदले में अब 2 लिखेंगे यहाँ पर और माइनस में 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 − 4 = 4, यानी कि सम ऑफ हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म होंगे उनका जो सम होगा वो 4 हो जाएगा। अब हम लोग को पूछ रहा है कि बताइए सेकेंड टर्म कितना था। तो देखो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझो, यहाँ पर सेकेंड टर्म कैसे निकाल सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वही S1 होता है किसी भी AP में, मान लो जैसे कि लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है ना, फिर अगला जो टर्म है जितना भी होगा, जैसे यहाँ पर मुझे साफ साफ आंसर जो है वो 1 दिख रहा है, लेकिन मान लो मैं एक AP नॉर्मल लेता हूँ 1, 2, 3, ये मैं एक AP ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला टर्म है ये हमारा ए भी कहलाता है और यही हमारा S1 भी कहलाता है, क्योंकि इसका अगर मैं सम निकालूंगा पहले टर्म का सम निकालूंगा तो वो तो 1 ही निकलेगा ना, जितना पहला टर्म होगा वही होता है हमारा S1 भी। उसी तरीके से अगर मुझे दो टर्म का अगर सम पता चल गया, यानी इन दोनों का अगर मुझे सम पता चल गया कि S2 जो होगा वो 2 + 1 यानी कि 3 होगा, तो अब मुझे यहाँ से अगर सेकेंड टर्म निकालने के लिए बोले कि बताइए सेकेंड टर्म कितना है, तो मैं क्या करूँगा कि S2 में से ही S1 को माइनस कर दूंगा। देखो S2 में से अगर मैं पहले वाले टर्म को माइनस करता हूँ S1 को, तो यहाँ पर मेरा 3 - 1 होगा, यानी कि 2 निकल कर क्या जाएगा ना, सेकेंड वाला टर्म निकल कर क्या जाएगा। तो यहाँ से मुझे अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो मैं क्या करूँगा, S2 में से माइनस करूँगा सॉरी S1 को, तो मेरा निकल कर क्या आएगा, सेकेंड वाला टर्म यानी कि A2 निकल कर क्या आएगा। तो S2 हमारे पास 4 है, उसमें से S1 यानी कि 3 माइनस करेंगे तो निकलेगा A2, तो A2 का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से निकल जाएगा 1। ये A2 का वैल्यू निकल गया, ये मेरा A1 का वैल्यू था। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में A2 का वैल्यू पूछा था फर्स्ट, है ना, यहाँ पर पहले तो पूछा था सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 4 आ गया, ये पहला आंसर निकल करके आया। उसके बाद हमसे बोला था कि व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म हमने निकाल लिया 1 है। अब बताइए फाइंड द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, हम लोग A3 निकालने के लिए जानते हैं कि A2 में ही D को प्लस करना रहता है, तो D कितना है भैया, तो यहाँ पर से अगर आप सेकेंड वाले में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे तो D का वैल्यू निकल जाएगा। तो D का मैं साइड में निकाल करके आपको दिखाता हूँ, देखो हमारे पास सेकेंड टर्म 1 है, उसमें से माइनस कर देते हैं फर्स्ट वाले टर्म को 3 को, तो D का वैल्यू -2 निकल करके आ जाएगा। तो A2 हमारे पास 1 है, उसके बाद उसमें प्लस कर देंगे हम लोग -2 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, यानी कि जो मेरा A3 जो अगला टर्म होगा वो मेरा -1 हो जाएगा। इसको भी बॉक्स में क्लोज कर दो ताकि टीचर को दिखते जाए कि आपने कहाँ कहाँ पे आंसर निकाला है। ठीक है, अब हमसे लास्ट में पूछ रहा है कि द टेंथ टर्म, अब टेंथ टर्म निकालने के लिए मुझे 9th टर्म पता होना चाहिए या फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं an निकालने के लिए या किसी भी टर्म को निकालने के लिए हम लोग a + n - 1 d का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a का जगह पे कितना है, हमारे पास a मतलब a1 होता है, इसके बदले में हमारे पास 3 है,
यहाँ पर n माइनस वन, और ये d का वैल्यू हमने देखा कि माइनस टू है, तो मल्टीप्लाई में माइनस टू कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा थ्री प्लस में टू का n से मल्टीप्लाई होगा, या फिर यहाँ पर आप लोग डाइड कर दो, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर मैं थ्री माइनस में टू n लिख देता हूँ, और ये माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो टू वन जा टू, प्लस में टू कर दो, तो यहाँ से ए एन का जो वैल्यू है वो थ्री और टू फाइव, माइनस में टू एन निकल गया। और ये भी हमसे पूछा था कि nth टर्म कितने होंगे, तो nth टर्म निकालने के लिए हमको फाइव माइनस टू एन करना होगा। अब यहाँ से हमको nth टर्म ये तो पता चल गया एक चीज़, लेकिन हमको टेंथ टर्म भी बोला एक चीज़ वो नहीं पता चला है, तो n के बदले में 10 लिख दो, यहाँ पर लिख दो 5 माइनस टू इंटू 10, और ये हमारा टेंथ टर्म भी निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस में 20, तो ये हो जाएगा माइनस 15। यानी कि हमारा जो जो भी ep दिया हुआ है उसमें जो सम है टू टर्म्स का, फर्स्ट टू टर्म का वो 4 है, जो सेकेंड वाला टर्म है वो हमारे पास 1 है, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टर्म निकला वो माइनस वन निकला, हमसे बोला था एंथ टर्म भी बताइए, तो एंथ टर्म निकालने के हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये बन गया फॉर्मूला, और उससे पहले बोला था टेंथ टर्म बताइए, तो इसी फॉर्मूला में हम लोग टेन का वैल्यू पुट कर देंगे, तो टेंथ टर्म भी निकल जाएगा। ए थ्री निकालने के लिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया है, आप लोग यहाँ पर इसके बाद ए एन निकालने के बाद भी ए थ्री निकाल सकते हो, यहाँ पर अगर आप लोग टेन के बदले में थ्री पुट करोगे ना, तो देख लेना आपका लास्ट में माइनस वन ही आएगा ए थ्री का वैल्यू, तो जैसे भी ए थ्री का वैल्यू निकालना चाहो निकाल सकते हो। ए टेन का वैल्यू निकालने के लिए तो फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा ही, क्योंकि ए नाइन नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन इलेवन सॉल्व होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। सो अगले वाले क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी कि अपने को फर्स्ट ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर पता करने हैं जिनके जो डिविजिबल हो 6 से, और उनका सम निकालना है। तो कौन कौन से डिविजिबल होते हैं 6 से, तो 6 होता है, उसके बाद 12 होता है, फिर 18 होता है, उसके बाद 24 होता है, इसी तरीके से चलते चले जाते हैं, बहुत सारे नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होते हैं, तो सबको तो हम लोग लिखेंगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, हम लोग इसको फॉर्मूला से बना लेंगे, ये बताता हूँ कैसे। तो देखो इस तरीके से लिख लो कि जो पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कि डिविजिबल होते हैं 6 से, वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18, 24 ऐसी बहुत सारे होंगे, तो डैश 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 कर लेंगे। यहाँ पर देखो हमको ये बोला है कि फर्स्ट 40 का हम लोग को सम निकालना है, यानी कि एस 40 का वैल्यू अपने को निकालना है, तो ए का वैल्यू देखते हैं 6 है, उसी तरीके से डी का वैल्यू जो है वो भी 12 माइनस 6 यानी कि 6 ही होगा। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है एस 40, तो एस 40 इक्वल टू हमारा फॉर्मूला लगा देंगे एन बाई टू 2a प्लस में n माइनस 1d, क्योंकि सारी चीज़ों का वैल्यू अपने को पता है। यहाँ से n के बदले में हम लोग लिखेंगे 40 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस में, यहाँ पर फिर से हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस में 1, और d के बदले में फिर से 6 हो गया, ये कट होकर के यहाँ पे 20 बना लेगा। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 12 प्लस में हमारे पास यहाँ पर देखो 39 का 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 234, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में 234 में इसको ऐड करेंगे तो 246 आ जाएगा, और दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 492 एंड 0, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यही दिमाग लगाना था कि पहले पॉजिटिव ऐसे कौन कौन से इंटीजर है जो 6 से हमारे डिविजिबल होते हैं, तो ये तो कोई बच्चा ही बता देगा क्लास 8-9 का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमसे 13 वाले बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल कौन कौन से होंगे, एक तो 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा, फिर डैश 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 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ए एल वाला जो फॉर्मूला होता है ना उसे ही बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पूछा है ना, तो हम लोग जानते हैं कि 8 का अगर अपन 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 8 जा 135 आ जाएगा, नहीं यार 135 तो 9 टाइम पे आता है, 120 आ जाएगा सॉरी, तो 120 जो होता है वो 8 का, यानी कि हम लोग अगर टेबल पढ़ते हैं तो 15 टाइम पे आता है, यानी कि जो लास्ट टाइम हमारे पास ना वो 120 है। तो देखो इसको पिछले वाले फॉर्मूला से तो आप बना ही सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, इसको अगर आप शॉर्ट और बनाना चाहो तो इसका मतलब कि लास्ट वाला टाइम हमारे पास दिया हुआ है 120 एक तरह से घुमा करके दिया हुआ है, लेकिन मल्टीपल है इसका मतलब ये हम लोग निकाल सकते हैं, पिछली बार तो डिविजिबल थे इसलिए हम लोग को निकालने में दिक्कत होता तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, इससे फॉर्मूला लगा दिए, तो एग्जाम में अगर आपका दिमाग काम करता है तो आप ये लो मेथड से बनाना। यहाँ पर आप लोग लिखना कि एस 15 अगर अपने को निकालना है तो एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन के बदले में हमारे पास 15 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो गया, इधर हमारे पास ए का वैल्यू 8 है और एल का वैल्यू हमने देखा 120 हो रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 बाई में 2 मल्टीप्लाई में 128, दोनों को कट कर दो तो ये जाएगा 2 वन जा 2, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। अब 15 का अगर आप 64 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 960। तो देखा आपने, जब आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाते हो एक्स्ट्रा तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, और ये भी एकदम सही आंसर है, यानी कि इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे इस टाइप से ना तो टीचर गलत कर ही नहीं सकते। बाकी अगर आप प्रीवियस वाली मेथड से बनाना चाहते हो तो वैसे भी बना सकते हो, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा वहाँ पर। ये हो गया 13 सॉल्व, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखो यहाँ पर 14th वाला भी मजेदार क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, यानी 0 से लेकर के 50 तक जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा। तो हम क्या जानते हैं 0 से 50 तक के नंबर्स या तो 1 होते हैं या 3 होता है या तो 5 होता है या 7 होता है, डैश 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 इसी टाइप से चलते जाएगा। इसमें भी हम लोग लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म कौन सा होगा, तो 50 तो हमारा एक इवन नंबर है, 50 से पहले कौन सा आता है 49 आता है और 49 ऑड होता है, यानी कि 1 से लेकर के 49 तक जो नंबर्स है ना यही अपने को यहाँ पर पता करने हैं। अब अगर अपने को ये पता चल जाए कि 49 वाला जो हमारा टर्म है ये कौन सा टर्म में आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, 49 तो वैल्यू है ना उसका, ये कौन सा नंबर, जैसे पिछले बार हम लोग के पास ये पता चल गया था कि 120 जो है वो 15 नंबर पे आ रहा है, तो एन की वजह हम लोग 15 रख दिए थे, वैसे यहाँ पर अगर 49 पता चल जाए कि कौन से नंबर पे आ रहा है तो ये भी सॉल्व हो जाएगा फटाक से ये वाला फॉर्मूला से। तो हम लोग यही काम करते हैं, 49 पता करते हैं कौन से नंबर पे आ रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एन इक्वल टू हमारा ए प्लस में एन माइनस 1d होता है ना, तो यहाँ से एन का वैल्यू हमारे पास 49 दिया हुआ है, ए का वैल्यू हमारा 1 है, प्लस में एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग साइड में निकाल के भी दिखा देना टीचर को ताकि टीचर को दिक्कत ना हो चेक करने में। तो यहाँ से हमारे पास ये 1 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा तो 48 आ जाएगा, 2 को इधर ले आओ तो ये डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल को साइड में एन माइनस 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से 24 हो गया, इसको इधर लेकर के आओगे तो ये माइनस इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू 25 हो गई ना, इसका मतलब कि जो 49 है वो 25th टर्म है। तो अब हम लोग निकालेंगे सिंपल फॉर्मूला से, एस एन इक्वल टू हमारा एन बाई 2 और ए प्लस एल वाला फॉर्मूला से। तो हमको कौन सा टर्म निकालना है भैया, 25th टर्म के बारे में पता करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 25th टर्म है यहाँ पर हम लिखेंगे एस 25 इक्वल टू साइड में एन का वैल्यू हमारे पास ऊपर में 25 हो गया, नीचे में 2, फर्स्ट टर्म 1 है और एल का वैल्यू हमने देखा लास्ट टर्म 49 है। तो ये यहाँ से हो जाएगा 25 बाई में 2 मल्टीप्लाई में, इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से कट कर दो तो फिर से 25 हो गया, तो 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 625, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चलिए एक जो वर्ड प्रॉब्लम बड़ा सा क्वेश्चन उसको इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं, फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो, यानी कि किसी भी एक काम में जैसे कोई काम दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसमें क्या होता है कि जब एक टाइम के बाद जब डिले होने लगता है ना कि भैया इतने दिन में काम कंप्लीट करना था लेकिन अभी आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो डिले हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पेनल्टी पे करना पड़ेगा। पेनल्टी मतलब समझते हो ना, एक फाइन एक तरह से होता है, ठीक है। तो 200 फॉर द फर्स्ट डे, पहला दिन अगर आपका लेट हुआ तो 200, फिर उसके बाद सेकेंड डे लेट हुआ तो 250, अगले दिन और लेट हुआ तो 300, यानी हर बार क्या हो रहा है 50-50 रुपी वहाँ पर लेट होते जा रहा है, यानी कि प्लस होते जा रहा है। चौथा दिन अगर आप लेट करोगे तो 350 देना पड़ेगा, इस टाइप से हो रहा है। तो द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे इज बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, वही चीज़ बोल रहा है कि जो अगला दिन का जितना भी पेनल्टी वो पिछले डे से 50 ज़्यादा रुपये लग रहा है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिले द वर्क बाई 30 डेज, तो अगर एक कॉन्ट्रैक्टर जो है अगर वो 30 डेज तक अगर काम को डिले कर देता है तो उसको कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो देखो 200 से स्टार्ट करेगा, फिर 250 देगा, फिर 300 देगा, तो यहाँ से हमारा KP बन जाएगा 50-50 का गैप के साथ, और वहाँ से अपने को बोल रहा है टोटल सम निकालने के लिए। देखो टोटल कितना पैसा जमा करेगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 200 भी करेगा, 250 भी करेगा, 300 भी करेगा, इस मतलब कि अपने को वहाँ से सम निकालना है, और सम निकालने के लिए सम लॉ फॉर्मूला लगा देंगे तो फट से सॉल्व हो जाएगा। तो भले दिख बड़ा क्वेश्चन रहा है लेकिन सॉल्व बहुत आसानी से होगा, आइए समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस टाइप से क्वेश्चन में बताया गया है उसी हिसाब से जो हमारा एपी बनेगा वो 200, 250 और 300 बनेगा। यहाँ पर पहला टर्म जो है वो 200 दिख रहा है, और अगर डी की वैल्यू निकाले तो 50-50 का डिफरेंस है, तो आप लोग निकाल के भी दिखा देना इस तरीके से कि जो डी है वो 50 है। हमको पूछ रहा है टोटल 30 डेज डिलेट कर रहा है, यानी कि एस 30 का वैल्यू कितना होगा, तो एस 30 का निकालने के लिए हम लोग 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास 2a होता है तो 2 मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा, प्लस में n माइनस 1d होता है तो n के बदले में हमारे पास टोटल कितने नंबर है 30 है, तो 30 माइनस में 1 और d का वैल्यू 50 है तो 50 लिख दो। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दिया, फॉर्मूला अलग से नहीं लिखा है। तो ये यहाँ से 15 हो जाएगा कटपिट होकर के, ये हो जाएगा हमारे पास 400 और प्लस में देखो 20, ये बन जाएगा 29, 30 में से 1 माइनस होगा तो 29 का 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1450। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई में दोनों को ऐड करेंगे तो 1850 हो जाएगा। अब इसका आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखो मैंने शुरू में बताया था कि मल्टीप्लाई वगैरह आप खुद से करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 27750 रुपी। तो इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन 15 तक के क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो बचे हुए 16 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन है उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।